आज का यह वीडियो प्रबंध एवं उसके सिद्धांत पर आधारित है। एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को बता पाना संभव नहीं है। यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यह लगभग 10 घंटे का वीडियो बनेगा। अतः मैं आप लोगों को इसको पार्ट बाय पार्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे प्रबंध, प्रबंध शब्द की उत्पत्ति, प्रबंध के प्रकार, प्रबंध का उद्देश्य, प्रबंध का महत्व, प्रबंध के सिद्धांत के प्रमुख लक्षण तथा प्रकृति, प्रबंध के कार्य, प्रबंध के स्तर और प्रबंध की परिभाषाएं। सबसे पहले प्रबंध क्या है? प्रबंध शब्द अंग्रेजी के मैनेजमेंट का हिंदी रूपांतर है। इस शब्द को अंग्रेजी में मैनेज प्लस मेन प्लस टी के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, जिसका अर्थ है मैनेज द मैन टैक्टफुली, अर्थात चातुर्यपूर्ण ढंग से व्यक्तियों का प्रबंध करना। इसलिए इसे पूर्ण रूप में प्रबंधन कहा जाता है। प्रबंध दो प्रकार के होते हैं, क्रियात्मक प्रबंध और प्रशासनिक प्रबंध। क्रियात्मक प्रबंध निम्न स्तरीय प्रबंध को क्रियात्मक प्रबंध कहते हैं। प्रशासनिक प्रबंध संक्षेप में शीर्ष या उच्च स्तरीय प्रबंध को प्रशासनिक प्रबंध कहते हैं। सरकारी क्षेत्र में प्रबंध को प्रशासन कहते हैं और व्यावसायिक जगत में प्रबंध कहते हैं। शब्द प्रबंध जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मानव संसाधन से जुड़ा हुआ है, जिसका मूल अर्थ किसी कार्य से बाध्य होना अथवा किसी के प्रति अपनी अवधारणा को प्रकट करना है। पुस्तकालय में कर्मचारियों से कार्य कैसे करवाया जाए, यह कार्य पुस्तकालय प्रबंध है। कार्य को कैसे करता है, यह एक कला है। किसी भी संस्था या पुस्तकालय में कई लोग मिलकर समूह के रूप में काम करते हैं। जब किसी समूह के निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रश्न पैदा होता है, तो यह जरूरी हो जाता है कि सामूहिक प्रयासों को नियोजित, संगठित, निर्देशित, समन्वित तथा नियंत्रित किया जाए। किसी भी संस्था का मस्तिष्क उस संस्था का प्रबंध होता है। जिस प्रकार मस्तिष्क शरीर के सभी अंगों का संचालन व निर्देशन करता है तथा उन पर नियंत्रण करता है, उसी प्रकार प्रबंध भी संस्था के कर्मचारियों के प्रयत्नों को नियोजित, निर्देशित एवं नियंत्रित करता है। कार्य करवाना अथवा कार्य लेना आधुनिक युग का सबसे लोकप्रिय नारा है। प्रबंध का अर्थ सामूहिक कार्यों के प्रबंध से होता है। अब आप जानेंगे प्रबंध का उद्देश्य। प्रबंध का पहला उद्देश्य यह है कि लंबे समय तक इस प्रतियोगी बाजार में कैसे टिका रहा जाए। जो लंबे समय तक टिका रह गया, वही बहादुर, वही शेर कहलाता है। समाज के लिए रोजगार का सृजन करना भी प्रबंध का उद्देश्य है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकना भी प्रबंध का मुख्य उद्देश्य रहता है। कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक देना भी प्रबंध का मुख्य उद्देश्य रहता है, क्योंकि उनके लगन और मेहनत पर ही संगठन का विकास संभव है। प्रबंध का तीसरा उद्देश्य होता है मिलावट को रोकना और चौथा उद्देश्य होता है विकास के अवसर प्रदान करते रहना। अब आप जानेंगे सामान्यतः प्रबंध के क्या महत्व है। प्रबंध का सबसे पहला महत्व होता है, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि यह समाज के व्यक्तियों द्वारा ही संपन्न होती है। संस्था में प्रबंधक कर्मचारियों द्वारा कार्य को सही दिशा में कार्यान्वित करते हैं। दूसरा महत्व है प्रबंध निर्धारित
लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उत्पादन के विभिन्न संसाधनों में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित कर न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणामों की प्राप्ति संभव बनाता है। प्रबंध संस्था के उपलब्ध साधनों में उपयुक्त समन्वय स्थापित कर मनुष्यों का विकास करता है। तीसरा महत्व है, प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों ही है। प्रबंध का वैज्ञानिक पक्ष सिद्धांतों एवं नियमों का विकास करना है तथा कला पक्ष का उन सिद्धांतों एवं नियमों को प्रबंध के क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से लागू करना है। प्रबंध द्वारा प्रारंभ में आधारभूत नीतियों का निर्माण किया जाता है और बाद में जरूरत के अनुसार विभिन्न नीतियों का निर्धारण किया जाता है। पांचवा महत्व, प्रबंध एक निरंतर प्रक्रिया है जो उस समय तक चलती रहती है जब तक संस्था अपने लक्ष्यों को नहीं पा लेती है। छठा महत्व है, प्रबंध की समस्त क्रियाएं मानवीय विकास से संबंधित होती हैं। यह व्यक्तियों की कार्य कुशलता में वृद्धि करता है और उनका सर्वांगीण विकास करता है। सातवां महत्व है, प्रबंधक प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व होता है। उसके नेतृत्व के अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं, कभी उत्पाद नहीं बन पाते। महत्व है, प्रबंध की आवश्यकता केवल व्यावसायिक क्षेत्रों में ही नहीं अपितु गैर व्यावसायिक क्षेत्र जैसे स्कूल, कॉलेज, धार्मिक एवं राजनीतिक संस्थानों, सामाजिक कार्यों, यहाँ तक कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जैसे घर, खेल का मैदान आदि में भी रहती है। और दसवां महत्व है, देश के समृद्धि में भी प्रबंध का काफी महत्व रहता है। कुशल प्रबंधक जब न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन संभव बनाते हैं, श्रम समस्याओं को सुलझाते हैं, समाज के विभिन्न अंगों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भली भांति निभाते हैं, जिससे राष्ट्र समृद्धि की ओर बढ़ता है। अब आप समझेंगे प्रबंध के सिद्धांतों के प्रमुख लक्षण अथवा प्रकृति। प्रबंध के सिद्धांतों के प्रमुख लक्षण अथवा प्रकृति निम्न होते हैं, पहला गतिशीलता, दूसरा आधारभूत, तीसरा सापेक्षिक, चौथा सार्वभौमिक और पांचवा मानव व्यवहार से प्रभावित। अब आप समझ पाएंगे प्रबंध के कार्य। प्रबंध के जो है मुख्य पांच कार्य हैं। पहला नियोजन। नियोजन जो है प्रबंध का सबसे मुख्य कार्य होता है। प्रबंध भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाता है ताकि निर्धारित लक्ष्यों की दृष्टि से किए जाने वाले वर्तमान प्रयासों को उनके अनुरूप बनाया जा सके। नियोजन का मतलब होता है कि क्या करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है तथा किस व्यक्ति द्वारा करना है, किस व्यक्ति को करना है, इन सभी बातों पर ध्यान देना। इसके साथ ही नियोजन के अंतर्गत विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के तरीकों पर भी विचार किया जाना है। और प्रबंध का दूसरा मुख्य कार्य होता है संगठन। नियोजन द्वारा उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्धारित कर लेने के पश्चात उन्हें कार्यान्वित करने की समस्या आती है, जिसे प्रबंध संगठन के माध्यम से करता है। संगठन निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने वाले तंत्र हैं। उपक्रम की योजनाएं चाहे कितनी भी अच्छी एवं आकर्षक क्यों न हो, यदि अच्छे संगठन का अभाव है तो सफलता की कामना करना निष्फल होगा। इस तरह कुशल एवं प्रभावी संगठन का निर्माण करना बहुत जरूरी रहता है। और प्रबंध का तीसरा महत्व है नियुक्तियां। नियुक्तियां प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। कर्मचारियों की नियुक्तियां करना है, जिसका अर्थ है संगठन की योजनाओं के अनुसार आवश्यक पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनको आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना। और प्रबंध का चौथा महत्व है निर्देशन, डायरेक्टिव।
प्रबंध मूलतः व्यक्तियों से कार्य कराने एवं करने की कला है। प्रबंध का चौथा महत्वपूर्ण कार्य है उपक्रम को निर्देशन अथवा संचालन प्रदान करना। निर्देशन का अर्थ होता है संस्था में विभिन्न नियुक्त व्यक्तियों को यह बताना कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है तथा यह देखता है कि वे व्यक्ति अपना कार्य उसी भांति कर रहे हैं या नहीं। निर्देशन प्रबंध का वह महत्वपूर्ण कार्य है जो संगठित प्रयत्नों को प्रारंभ करता है। निर्देशन के अंतर्गत जो है यह चार क्रियाएं सम्मिलित होता है। पहला पर्यवेक्षण, दूसरा संप्रेक्षण, तीसरा नेतृत्व, चौथा अभिप्रेरणा। और पांचवा जो महत्व है प्रबंध का नियंत्रण, कंट्रोलिंग। नियंत्रण से आशय केवल किए गए कार्य की जांच करना मात्र ही नहीं है, बल्कि ऐसे उपाय करना है जिससे उपक्रम के कारोबार को निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु निश्चित योजनाओं के अनुसार चलाया जा सके, और यदि उसमें कहीं कोई अंतर आ जाए तो सुधारात्मक कदम उठाया जा सके। नियंत्रण प्रबंध का एक भाग होता है। अब आप समझ पाएंगे प्रबंध के स्तर। प्रबंध का मुख्य तीन स्तर होता है। पहला होता है उच्च स्तरीय प्रबंध, और दूसरा होता है मध्य स्तरीय प्रबंध, और तीसरा होता है पर्यवेक्षकीय प्रबंध। अब मैं आपको सबसे पहले उच्च स्तरीय प्रबंध के बारे में बता रहा हूँ। उच्च स्तरीय प्रबंध किसी भी संस्था का सर्वोच्च प्रबंध होता है। संस्था का संपूर्ण दायित्व उच्च स्तरीय प्रबंध के कंधों पर होता है। इनका मुख्य कार्य नीतियों, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करना है। प्रबंध के इस स्तर में बहुत रूप से संचालन, मंडन तथा मुख्य कार्यकारी पदाधिकारियों को सम्मिलित किया जाता है। प्रबंध का दूसरा स्तर होता है मध्य स्तरीय प्रबंध। मध्य स्तरीय प्रबंध उच्च स्तरीय तथा निम्न स्तरीय प्रबंध के मध्य स्थित होता है। मध्य स्तरीय प्रबंध का कार्य सबसे कठिन होता है क्योंकि इन पर तीन ओर से दबाव रहता है। पहला दबाव उच्च स्तरीय प्रबंध की ओर से होता है, दूसरा दबाव निम्न स्तरीय प्रबंध की ओर से होता है तथा तीसरा दबाव मध्य स्तरीय प्रबंधकों का स्वयं का होता है। अतः वह तीनों ओर से दबे होते हैं। और तीसरा स्तर होता है पर्यवेक्षकीय प्रबंध। यह प्रबंध के स्तरों के क्रम में सबसे नीचे वाला स्तर है। यह प्रबंध का वह स्तर होता है जो उच्च प्रबंध द्वारा निर्धारित उद्देश्यों एवं नीतियों को अंतिम रूप से कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित करवाते हैं। इस स्तर के अधिकारियों का प्रत्यक्ष संबंध उन कर्मचारियों से होता है जो कार्यों को संपन्न करते हैं। उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे पर्यवेक्षकीय या प्रचालन या अंतिम पंक्ति या निम्न स्तरीय प्रबंध। अब प्रबंध के कुछ परिभाषा के बारे में आप जानेंगे। सबसे पहला है हेरोल्ड कुंटज। प्रबंध औपचारिक रूप से समूहों में संगठित मनुष्यों से तथा उनके मिलजुल कर काम करने तथा कराने की कला है। और दूसरा परिभाषा है जे लुंदई के अनुसार, प्रबंध मुख्य रूप से विशिष्ट लक्ष्यों को पाने के लिए दूसरे के प्रयत्नों को नियोजित, अभिप्रेरित तथा नियंत्रित करने का कार्य करता है। अतः प्रबंध मानवीय प्रयासों के नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन एवं नियंत्रण द्वारा उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करता है ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी संगठन के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग ही प्रबंध है। मैं आशा करता हूँ आपको आज का यह वीडियो प्रबंध एवं उसके सिद्धांत से संबंधित पार्ट 1 अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।
आप यदि नए विजिटर हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और आप अधिक से अधिक कमेंट, लाइक, शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं प्रबंध एवं उसके सिद्धांत के पार्ट टू वीडियो में। जय हिंद।